सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से पर्यवेक्षण के अंदर आ रहे हैं आपके पास आज उत्तम अकिंचन दिन के दिन सादर जय जिन के साथ। पावन दिन करते करते उपवास की घड़ियां खत्म होने लगी है। नौवे धर्म की समापन के बाद कल दसवें की शुरुआत हो रही है। आज हमने सीखा कि जरूरत से ज्यादा परिग्रह नहीं रखना है, किंचित मात्र मेरा नहीं है समझ लिया हमने, संकल्प ले लिया बस आज के दिन के लिए नहीं हमेशा जीवन का करते हैं, तभी तो हम दस लक्ष्य धर्म को आत्मसाक्षात्कार करते हैं, आत्मसे अंतर तारते हैं। और जब यह समझ आता है तो पर मेरा नहीं है तो उसके ऊपर राग और काम की बात अपने आप इच्छाएं खत्म होने लगती है और फिर कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य की शुरुआत स्वतः होने लगती है। हमारे महाव्रती जो होते हैं ना महामुनिराज, वे 18,000 शील के व्रत के धारी होते हैं। कभी आपने सोचा 18,000 की संख्या कैसे बनती है? आज हम आपको यही बता देते हैं कि 18,000 शील व्रत कैसे बनते हैं। तीन योग तो आपने सुने ही है, मन वचन का है, तीन करण भी सुनी है आपने, चार संज्ञा भी सुनी है, पांच इंद्रिया भी सुनी है जो आपके पास होती है, चक्षु की होती है, स्पर्शन घ्राण कर्ण ये सब जो होती है पांच इंद्रिया, इन पांच इंद्रियों के साथ 10 पृथ्वी जल काय वायु अग्नि का एक स्त्री 10 यह भेद होते हैं और 10 धर्म जो आप कर ही रहे हैं क्षमा मार्दव आज शौर सत्य संयम तप अकिंचन ब्रह्मचर्य आज अकिंचन है। इस तरह कैसे यह 10 भेद होते हैं, इन सबको जब गुणा करते हैं ना आप तो आप पाते हैं वह व्रत की संख्या। अब देख लीजिए तीन योग के, तीन करण के, चार संज्ञा है, पांच इंद्रिया है, 10 जल का एक वायु का एक आदि है और 10 धर्म है। 3 × 3 × 4 × 5 × 10 × 10 = 18,000 की व्रत की संख्या आपके सामने आ जाती है ना ये बात। और कल के लिए हमारा आप सबके साथ जाप रहेगा ओम रीम क्लीम श्रीम उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मंगाय नमः। और शुरू करते हैं आज की खास बात आपके साथ। जगह जगह तोड़ी गई मंदिर और बना दी गई मस्जिदें, आज दिखाते हैं कुछ इतिहास उसका आपको खोलकर। जैन विरासत कितनी समृद्ध थी, कितनी विशाल थी ये आप सभी जानते हैं। बड़े बड़े मंदिर जिनके नाम नहीं लेते, चाहे पूरब का हो चाहे दक्षिण का हो चाहे पश्चिम का चाहे उत्तर का हो, हर जगह आपको वह मंदिर मिल जाएगा कि पहले वह जैन मंदिर था। आज इस गाथा के अंदर आपको आज मस्जिदों की गाथा सुनाते हैं कि कैसे पलटी गई मुगल कालीन के समय हमारी धरोहर को किस तरह पलटा गया। शुरुआत कर देते हैं दिल्ली के साथ। दिल्ली कुतुब मीनार जो कहता है कि दिल्ली की नाक है, वह नाक खड़ी किसके ऊपर हुई यह हमें आज जानते हैं। एक नहीं दो नहीं 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुछ हिंदू तोड़ के इस मीनार को खड़ा किया गया। इसके बाहर चबूतरों में जाकर देख लीजिएगा एक बार, चारों तरफ जाकर आपको तीर्थंकर की प्रतिमाएं आज भी खंभों पर दिख जाएंगी। शिलालेख पर बाकायदा लिखा गया है कि यहां 27 मंदिर तोड़कर यह मीनार के आसपास का इलाका बना हुआ है, पर हमने आज तक वहां पर एक हमारे लिए जैन समाज की पूजा की व्यवस्था आज तक नहीं गई। इतनी मूर्तियों को तोड़ के मंदिर तोड़ के यह बना दी गई। आज ये आगे चलते हैं अकबर के समय की बात करते हैं। यहां से 250 किलोमीटर आगे फतेहपुर सीकरी पहुंच जाते हैं जो उसकी राजधानी थी। कहते हैं बड़ी जल्दी उसने रचा दी बसा दी, वास्तव में ये नहीं मालूम कि जैन मंदिर नहीं जैन नगरी को उजाड़ के उसने फतेहपुर सीकरी बना दिया, विजयनगर का नाम था जिसका। यहां पर अनेक मूर्तियां जो अब मिलती है ना 1996 खुदाई में वह इसका पक्का सबूत बताती हैं। यहीं यमुना के किनारे आ जाते हैं तो अकबर महल दिख जाता है। यह अकबर महल भी किसी समय जैन मंदिर की नींव के ऊपर खड़ा कर दिया गया। इसको आप पुष्टि करने के लिए गूगल पर बाकायदा सर्च करके ये पुष्टि तक कर सकते हैं। आ जाइए अब हम बात करते हैं दिल्ली के आसपास से लेकर यूपी से हम पहुंच जाते हैं तो गुजरात पहुंच जाते हैं, जब खंबात की बात करते हैं। यहां की जामा मस्जिद बड़ी मशहूर है। यह 1325 में बनाई गई पर इसके अंदर जो सामग्री लगाई गई है वह जैन मंदिर को तोड़कर उसकी सामग्री को उपयोग किया गया है। यही खंबात के अंदर एक और है उमर बिन अहमद की कमरूनी मजार। इस कमरूनी मजार के अंदर भी अगर आप देखेंगे बारीकी से देख लीजिएगा तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि जैन मंदिरों के खंभों को यहां पर इस्तेमाल किया गया है, उसी की सामग्री से दीवार और जगह जगह इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। भरूच की मस्जिद इससे अलग नहीं है, जहां की दीवारें स्पष्ट करती है कि 1321 में मस्जिद बनी तो यह मंदिर को तोड़कर जैन मंदिर तोड़कर बनाई गई है। कच्छ की बात करते हैं, भदेश्वर के अंदर पहुंच जाते हैं जब 16 गंभीर मस्जिद छोटी मस्जिद और पीरलाल शाहबाज की दरगाह तीनों ही जैन मंदिर को तोड़कर खड़ी करी गई मुगल कालीन शासन के अंदर। दिल्ली के पड़ोस हरियाणा में आ जाए जहाज महल लोग देखने जाते हैं और यह जहाज महल वास्तव में एक समय जैन मंदिर था। दक्षिण में आ जाते हैं कर्नाटक पहुंच जाते हैं, यहां बीजापुर की तो बात ही कहने की, यहां तो एक दो नहीं अनेक जगह जैन मंदिर को तोड़ा गया। मंगोली गेट जब जाते हैं तो जाते हुए छोटी मस्जिद के साथ कलेक्टर बंगले वाली मस्जिद इसका मुख गवाह बनी हुई है। दक्कन में जब
कमरुद्दीन मस्जिद भी इसकी ही गए, और जब 1324 के अंदर यहाँ पर मलिक कफूर आया था ना, उस मलिक कफूर ने दक्कन में आके जैसी तबाही मचाई थी, लूट मचाई थी, आज उसके अवशेष आज भी दिख जाते हैं जब मंदिर टूटे और मस्जिद खड़ी हो जाती है। राजस्थान में चलते हैं, राजपूतों की नगरी के अंदर यह कोई बची नहीं थी। अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा, कहते 2.5 दिन में इतना विशाल खड़ा कर दिया, चमत्कार होता है लोगों को, पर यह नहीं मानता 2.5 दिन के अंदर किसको तोड़कर किसको खड़ा किया गया। आज भी वहां की दीवारें और खंभे आपको बता देंगी कि यहां पर पहले जैन मंदिर था और विशाल जैन मंदिर को तोड़ के यह 2.5 दिन का झोपड़ा खड़ा कर दिया गया। कोटा में आ जाएं तो शेरशाह सूरी का जो है शेरगढ़ किला, इसी जैन मंदिर को तोड़कर उसकी सामग्री का उपयोग करके खड़ा किया गया है। भीलवाड़ा का इतिहास देख लें तो एवं मंगलवाड़ का जो अलाई मस्जिद है वह किसी से छिपी नहीं हुई है, वह भी इसी तरह का एक हमें सबूत दिखाती है। दक्षिण में एक और चक्कर लगा लेते हैं, तमिलनाडु में आपको मदुरई में पहुंचाती है, जिसे कहा जाता है मंदिरों की नगरी है। तिरुपुराण कुरान की सिकंदर मस्जिद पहाड़ी पर बनी है, वह एक जैन मंदिर को तोड़कर ही नहीं, उसमें हिंदू मंदिर भी तोड़े गए, बौद्ध मंदिर तोड़े गए, सबको तोड़ के एक मस्जिद पहाड़ी पर खड़ी कर दी गई है। मध्य प्रदेश दिल भारत का यह अछूता नहीं रहा इस तोड़फोड़ से। देवास की जो गंधावल की गांव के अंदर कब्र बनी है, आज भी उसके अवशेष मिलते हैं और कहते हैं कि वह जैन मंदिर के तोड़कर उसका उपयोग किया गया। यही थार के अंदर जो गंधावल गांव के बाद जो लाल मस्जिद बनी है पर वह 1405 में इसका निर्माण हुआ और धार के अंदर, और यह सबूत है जैन मंदिर को तोड़कर यह खड़ी कर दी गई। कर्नाटक में एक बार फिर चलते हैं, आपको पहले आपको बीजापुर का बताया था, अब धारवाड़ का बता देते हैं। धारवाड़ में जो मेलार लिंग पहाड़ी पर मस्जिद है वह जैन मंदिर को तोड़कर उसके सामग्री का उपयोग करके बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की निजामाबाद बहुत खूबसूरत नाम है, और कहा जाता है बोधन की जो देवल मस्जिद है वह इसी तरह एक जैन मंदिर को तोड़कर उसका उपयोग किया गया सामग्री करके यह मस्जिद खड़ी कर दी गई। बिहार के भागलपुर की बात भी कर लेते हैं, 1491 में यहाँ पर एक मस्जिद इसी तरह मंदिर तोड़कर बनी, और कई मजार हैं जो यहाँ पर मंदिर को तोड़कर खड़ी कर दी गई। यह लिस्ट छोटी सी है, जब कमेंट्स में आप देखेंगे ना, लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे भाई साहब अपने ये छोड़ दिया, ये तो हमने आपको बताया है कि चाहे आप यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, कहीं की जगह हो, कहीं भी गुजरात हो, कहीं भी किसी राज्य को छोड़ा नहीं गया जहां जैनों की अनमोल विरासत तोड़कर मस्जिदों को, दरगाहों को और मीनारों को खड़ा नहीं किया गया। चिंतन की बात है, हमारी इसी तरीके से विरासतें लुटती रहेंगी, नए बनाते हैं पीछे छूट जाती है और लुट जाती है या अपने रूप में बदल दी जाती है। और कल आ रहा है हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान जी का मोक्ष कल्याणक दिवस, यानी भाद्रपद शुक्ल की है चतुर्दशी, पर्युषण का अंतिम दिन और पावन दिन हो जाता है डबल, यह जब हमारे 12वें तीर्थंकर यानी पहले ब्रह्मचारी तीर्थंकर और एकमात्र तीर्थंकर जिनके पांचों कल्याणक एक ही स्थान पर, यानी चंपापुर में, वही गर्भ, वही जन्म, वही तप, वही ज्ञान और वही मोक्ष। और यह आपके केवली काल रहा था 53,99,999 वर्ष, और फिर आप मंदारगिरी पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अपहरण काल में 600 मुर्यादात आपको मोक्ष चले गए, सिद्धालय पहुंच गए आप एक समय के अंदर। आपके काल के अंदर आपका जो धर्म पीर रहा वह 30 सागर वर्ष का रहा, पर उसके अंदर एक पल्ले का धर्म का विच्छेद भी रहा। बोलिए 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य भगवान की जय जय जय। और आज है हमारे आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण जी का समाधि दिवस, 82 वर्ष की आयु रही, कद उतंग 6'2". इस सदी के महानतम संत इसलिए कही भी जाते हैं क्योंकि इन्होंने दिगंबरत्व की जैसे पुनर्स्थापना की थी। तब तक दिगंबर रूप में विहार करना लगभग असंभव था अंग्रेजों के समय में, लेकिन इन्होंने कहा कि हम आहार जब हम दिगंबरत रूप में करते हैं, अंदर चर्या करते हैं, तो बाहर ऐसी चर्या क्यों नहीं होती, हम दिगंबर मुनिराज हैं। और इन्होंने सचमुच, जबकि फोटो खिंचवाने के सख्त खिलाफ थे, पर इन्होंने ऐतिहासिक स्थलों ने जानबूझकर फोटो खिंचवाए और जान जम के हर जगह जगह भिजवाए, केवल इसलिए आने वाली पीढ़ियां समझ लें कि इस समय यहां पर हर जगह पर चाहे चौराहे हो चाहे राह हो, हमारे दिगंबर मुनि इसी रूप में विहार करते हैं। और वह परंपरा में सरकार को भी मानना पड़ा और अंग्रेजों ने तब यह कानून बदला कि दिगंबर मुनिराज विहार कर सकते हैं, उन्हें मानना पड़ा इस बात के अंदर। उपवासों के आप कहा जाता है कि जनक जैसे थे, 9,383 उपवास किए आपने, और जब वह दिन था 14 अगस्त जिस दिन आपने संलेखना धारण कर ली थी,
और फिर आपने जल को भी त्याग दिया 7 सितंबर को, और 18 सितंबर आज ही के दिन सन 1955 आपने समाधि को ग्रहण कर लिया। आज 67वें समाधि दिवस पर चैनल महालक्ष्मी और सांदे महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और कल हमारे 10 धर्म का कैसे हैं, एक प्रकार से यह चक्र फिर पूरा हो जाएगा। सुत्तम क्षमा से शुरू हुआ और 2 दिन बाद उत्तम क्षमा के क्षमा माने के साथ इसका यह चक्र पूरा हो जाएगा। आप कहें एक बार हुआ, साल में 3 बार हुआ, जीवन में अनेक बार हुआ, हर बार मनाते आए हैं, पर क्या कभी हम इसको अंदर उतार पाए हैं? एक बार ये ज्योति अंदर जला ली तो कहते हैं जीवन मरण का ये चक्र अपने आप सार्थक हो जाएगा, इसका बंधन अपने आप खुल जाएगा। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। हम तो फिर मिलेंगे आपके साथ कल फिर इसी रात्रि 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।